ऑनलाइन सुविधाओं के साथ ही साइबर अपराध के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें हैकर्स अलग अलग तरीके से साइबर ठगी को अंजाम देते हैं। इन्हीं तरीकों में से एक तरीका वायरस और मालवेयर भेजकर लोगों के बैंक खाते में से पैसे खाली करना भी है। कोरोना महामारी के दौरान ऐसे कई मालवेयर सामने आए थे जिसने लोगों से ठगी की। इसी में एक और नाम शामिल है, ब्राटा ट्रोजन मालवेयर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है ट्रोजन मालवेयर। ब्राटा एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन मालवेयर है जो कि पहली बार 2019 में चर्चा में आया था। इस मालवेयर का इस्तेमाल लोगों के फोन स्क्रीन को बिना देखे रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। वो मालवेयर गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से लोगों के स्मार्टफोन में एक नकली व्हाट्सएप अपडेट के रूप में या फिर अन्य सुविधाओं के लिए पहुंचा दिया जाता था। इससे करीब 10,000 से अधिक डिवाइस प्रभावित हो गए थे। अब उसी मालवेयर का एक नया अपडेट वेरिएंट सामने आ रहा है जिसे ब्राटा यानी ब्राजीलियाई रिमोट एक्सेस टूल कहा जाता है। अब ये दुनिया भर में फैलता जा रहा है, पल भर में खाता खाली कर देता है ये मालवेयर टूल। ब्राटा एक ऐसा मालवेयर है जो आपकी बैंकिंग और वित्तीय जानकारी चुराता है। इसके बाद ये आपके फोन से डेटा मिटा देता है और ट्रोजन का कोई निशान तक नहीं छोड़ता। ये मालवेयर आपके फोन तक पहुंच बनाने के लिए बैंक संबंधी मैसेज का सहारा लेता है और आपके फोन पर टेस्ट मैसेज भेज देता है। इसके बाद ये दिए गए लिंक से कथित तौर पर बैंक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हैं, अपनी बैंकिंग जानकारियां इसमें भरते हैं, ये आपके बैंक खाते को खाली कर देता है। ये मालवेयर हैकर्स को आपके फोन में लंबे समय तक टिकने दे सकता है। इस मालवेयर को सबसे पहले इतावली साइबर सुरक्षा कंपनी क्लिफी यानी इटालियन साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्लिफी की ओर से देखा गया था। ब्राटा का ये नया वेरिएंट आधुनिक तकनीक यानी APT का उपयोग करता है और हैकर्स को लंबे समय तक संक्रमित नेटवर्क पर रहने की अनुमति दे देता है। किन देशों में ट्रोजन मालवेयर फैला हुआ है, चलिए ये बताते हैं। क्लिफी के अनुसार ब्राटा का ये नया वेरिएंट पहली बार दिसंबर 2021 में आया था। ट्रोजन अब UK, पोलैंड, इटली और लैटिन अमेरिका में फैल गया है। एक रिपोर्ट में क्लिफी ने ये भी कहा है कि मॉडस ऑपरेटी अब तक एडवांस परसिस्टेंट थ्रीट यानी APT गतिविधि पैटर्न में फिट बैठता है। ये कैसे काम करता है, चलिए ये बताते हैं। ब्राटा एक डाउनलोडर ऐप के माध्यम से इंस्टॉल होता है। ये उपयोगकर्ताओं को डाउनलोड करने के लिए वास्तविक एप्लीकेशन जैसे ही एक ऐप भेजता है। ऐप अपने आप एक मालवेयर नहीं है, इसलिए इसे गूगल प्ले स्टोर या आपके स्मार्टफोन द्वारा फ्लैग नहीं किया गया है। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये कई अनुमतियों के लिए पूछता है और जैसे ही आप इसे अनुमति दे देते हैं ये आपके स्मार्टफोन में प्रवेश कर लेता है। ये ट्रोजन साइबर अपराधियों को आपके स्मार्टफोन में निगरानी करने की अनुमति दे देता है। जब आप किसी बैंकिंग ऐप में लॉगिन करते हैं तो ट्रोजन ट्रिगर हो जाता है और ये आपके बैंकिंग क्रेडेंशियल को कॉपी करके हैकर्स को भेज देता है। इसके बाद हैकर्स द्वारा आपके बैंक अकाउंट खाली कर लिए जाते हैं। इसे मिटाने की कोशिश करने पर स्मार्टफोन काम ही नहीं करता। ब्राटा का एक नया अपडेट वर्जन किल स्विच से लैस है जो ट्रिगर होने पर ट्रोजन की किसी भी निशान को हटाने पर आपके स्मार्टफोन को पूरी तरीके से मिटा देता है। इससे कैसे बचना है, चलिए आपको ये समझाते हैं। अज्ञात स्रोतों से कभी भी ऐप्स डाउनलोड और इंस्टॉल ना करें। ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए केवल गूगल प्ले स्टोर का उपयोग करें और साथ ही उस ऐप की जांच भी करें। कभी भी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से कोई ऐप अपडेट ना करें। किसी भी मैसेज से कोई लिंक ना खोलें। बैंक कभी भी ग्राहकों को दिए गए लिंक से कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए नहीं कहते हैं। अपने स्मार्टफोन को किसी भी संभावित मालवेयर से सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस और एंटी मालवेयर अपडेट रखें। हमारे देश में भी इस तरीके के कई ऐप्स आ चुके हैं, इसलिए सरकार बार बार सभी से रिक्वेस्ट करती रहती है कि इससे ऐसे किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें, किसी को अपना बैंक अकाउंट का नंबर या OTP शेयर ना करें। इसलिए हम सभी की आपसे अपील है कि अगर ऐसा कोई भी अनजान ऐप या कोई अपडेट आपके पास आता है तो उसे फ़ोन में बिल्कुल ना रखें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।